ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم صدق الله العلي العظيم. हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी मुबारक ज़िंदगी के ताल्लुक से जो हमारी ये मजलिस चल रही है, अल्लाह का फ़ज़ल और मालिक का एहसान है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी अब तक बहुत सारी हमारे और आपके सामने आ चुकी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की विलादत जब मक्का में हुई और आपने लगातार 40 साल नबी बनने से पहले मक्का में गुजारे, वो सारे हमारे सामने आ गए। जब 40 साल में अल्लाह ने आपको नबूवत अता फरमा दी, तो नबी बनने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अभी मक्का ही में रह रहे हैं और आपके जो आगे के और 10 साल हैं वो अल्लाह के फजल से हमारे यहाँ मुकम्मल हो चुके हैं। गुज़िश्ता हफ्ते आप हज़रात को याद होगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का एक बड़ा ख़ास वाक़िया आप हज़रात के सामने अर्ज़ किया था, और वो वाक़िया था जिसका उन्वान था कि हुजूर का क्या हुआ था, बायकॉट कर दिया गया था। उसकी सारी तफ़सील आप हज़रात ने सुनी है कि ये जो शुरू हुआ था वो कौन से सन में, सन सब बोलिए 7 में, और ख़त्म कब हुआ है जा कर के 10 में। तो तकरीबन 3 साल ये बायकॉट अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का लगातार चला था, और हुज़ूर ने और सहाबा ने कैसे ज़िंदगी गुजारी उन दिनों में, और फिर ये कैसे ख़त्म हुआ, क्या वाक़ियात पेश आए, कैसे वो जो लिखा हुआ सारा निज़ाम था अल्लाह ने उसे दीमक के ज़रिए ख़त्म कराया और फिर ये बायकॉट ख़त्म हुआ, ये सारे वाक़ियात हमने और आपने गुज़िश्ता हफ्ते सुन लिए। अब यानी कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक उम्र के कौन से साल में चल रहे हैं, बोलें भाई 50वें साल में। तो 40 साल नबी बनने से पहले के और 10 साल का ये अरसा हमने सुन लिया अल्लाह के नबी का नबूवत के बाद का। इन 10 सालों के अंदर शुरू के 3 साल तो वैसे ही खामोशी के साथ गुजरे और आखिर के 10 साल वहाँ बायकॉट के अंदर गुजरे, तो 6 साल यहाँ के भी ख़त्म हो जाते हैं। गोया कि आप ये कह सकते हैं कि असल जो काम का मौका रहा वो तकरीबन 4-5 साल का कुल रहा है अब तक जो हमारे सामने आया। इसी के अंदर मुसलमानों की हबशा की जानिब हिजरत और उसके तमाम वाकियात, ये सारी बातें अल्लाह के फजल से आ चुकी हैं। अब आज जो हमें और आपको सुनना है, यहाँ पर 2 बातें मैं ख़ास तौर से आज अर्ज करूँगा। सबसे पहली बात ये है कि जब ये बायकॉट चल रहा था, और अभी बायकॉट ख़त्म हुआ नहीं, तमाम के तमाम सहाबा, आपके चाहने वाले, आपके ताल्लुक वाले सब वहाँ शियाबे अबी तालिब में बंद थे, वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे और सब हजरात वहीं पर रह रहे। उस दौरान परेशानियों को देखते हुए जो काफिरों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ हदें पार कर रखी थी, सहाबा में एक सहाबी हैं
जिनका नामी गिरामी है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सब जानते हैं इन हजरात को। नाम क्या है हजरत अबू बकर का? नाम अब्दुल्ला। तो हजरत अबू बकर का जो नामी गिरामी है वो अब्दुल्ला है। इनके बारे में आता है कि जब काफिरों ने जुल्म की सारी हदें पार कर रखी थी तो सिद्दीक अकबर ने भी इरादा कर लिया कि मैं भी मक्का को छोड़ करके हबशा चला जाता हूँ, वहां जाकर के जिंदगी गुजारूंगा। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हबशा की हिजरत का इरादा किया और हुजूर अलैहिस्सलाम से इजाजत ली और हबशा के लिए रवाना भी हो गए कि मैं मुल्क छोड़ करके अब हबशा जा रहा हूँ और वहां पे जा करके जिंदगी गुजारूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक हिजरत के इरादे से यहाँ से रवाना हो जाते, रवाना हो गए। यहाँ हिजरत के ऊपर मुझे एक बात याद आई है, मैं पहले भी अर्ज करना चाह रहा था, अब आज याद आई है, आप सुन लीजिए इस बात को कि हिजरत जो अमल है ये एक बड़ा खास अमल है इस्लाम में, बहुत खास अमल है। हिजरत का मतलब क्या होता है? हिजरत का मतलब ये होता है कि आप अपने वतन को छोड़ दें अल्लाह के दीन की खातिर, अपने वतन को छोड़ दें और उसके बाद मरते दम तक फिर वहां रहने के लिए वापस नहीं आए। इस अमल को बोला जाता है शरीयत की जबान में क्या? हिजरत। आदमी अपने वतन को छोड़े अल्लाह की रजा की खातिर और अपनी मौत तक फिर वो वहां पर नहीं आ सकता और रह नहीं सकता, ये अमल कहलाता है हिजरत। चुनाचे जिन हजरात ने मुल्के हबशा की जानिब हिजरत फरमा ली उसके बाद वो मक्का आकर के दोबारा रहना चाहते, अब उनके लिए कतान इजाजत नहीं थी, वो हिजरत कर ली तो अब हिजरत हो गई, अब वतन की वापसी इजाजत नहीं, आ सकता है बंदा थोड़े वक्त रुके मुसाफिरों की तरह और उसके बाद फिर चला जाए, इजाजत है, लेकिन मुस्तकिल तौर पे नहीं आ सकते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मक्का से हिजरत फरमाई और कहाँ गए थे आप? मदीना तशरीफ लेकर के गए, मक्का से मदीना। उसके बाद अल्लाह ने मक्का को फतह भी फरमा दिया अल्लाह के नबी की जिंदगी में, वहां पर इस्लामी निजाम भी कायम हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या अल्लाह के नबी मदीना से मक्का वापस आए रहने के लिए? आपका इंतकाल वही हुआ, क्योंकि मुहाजिर के लिए अपनी जगह पे वापस आकर के रहना मुस्तकिल तौर पर फिर ये जायज नहीं होता है, जब अल्लाह के लिए छोड़ दिया तो हमेशा के लिए छोड़ दिया, ये अमल हिजरत कहलाता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे अफराद ये गलती कर जाते हैं कि जमात के अंदर जब तश्कील करते हैं और दावत देते हैं तो ये हिजरत वाला अमल वहां पर जिक्र कर देते हैं कि हम भी हिजरत कर रहे हैं, कि सहाबा ने भी हिजरत फरमाई थी और हम भी हिजरत कर रहे हैं, तो वहां पर इस अमल के अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल करना हिजरत का, अब आप खुद समझ सकते हैं ये हमारे लिए सही होगा या गलत होगा, बताने क्या होगा? गलत होगा। और वजह क्या है? वजह ये है कि जब हमने हिजरत की है, हाँ अगर कोई बंदा आप में ऐसा हो जो ये सोच के जा रहा हो कि अब मैं जमात में जा रहा हूँ, अब मरते दम तक घर आऊंगा ही नहीं, बस अब हमेशा के लिए अपने घर को छोड़ दिया, हाँ कभी कभार आ जाऊंगा सलाम दुआ करने, एक आध रात रुकने, उसके अलावा मैं कभी मुस्तकिल नहीं रुकूंगा, तो बेशक ये अमल आ सकता है, लेकिन अगर वापसी का इरादा है 40 दिन बाद, साल भर के बाद, तो ये अमल जो इस्तेलाह में शरीयत में हिजरत बोला जाता है वो हिजरत नहीं कहलाएगा। ये आम है गलतियां हमारे यहाँ पर, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ। कुछ वक्त पहले संसारपुर जो करीब में बस्ती है वहां पे मेरा एक जब जोड़ था उनका, वहां मस्जिद के अंदर वहां बयान रखा, मेरे बयान से पहले जिस शख्स ने, जिन साहब का बयान हुआ, उन्होंने बयान के अंदर ये तरगीब दिलाई कि भाई आप लोग इस काम से जुड़िए, अल्लाह आपको हिजरत वाला सवाब अता फरमाएंगे, सहाबा अपने ज़माने में मदीना हिजरत करते थे, अब आपकी हिजरतें लखनऊ हो रही है, दिल्ली हो रही है, बरेली हो रही है, मुरादाबाद हो रही है, अब हमारी हिजरत ये है,
तो जब वो फारिग हुए तो मैं जाने से पहले मैंने उन्हें एक मिनट के लिए रोका। मैंने कहा कि या तो आप वजाहत कर दें या फिर मैं बैठने के बाद इस मसले की वजाहत करूंगा कि ये अमल हिजरत किस हिसाब से बनेगा। क्या हम जाने के बाद मौत तक वापसी का इरादा नहीं करते? क्या जब इरादा है तो फिर उसको इस्तेलाही हिजरत नहीं बोला जाएगा? हिजरत कोई अमल इतना मुबारक और इतना बड़ा और इतना खास अमल है, इसका इस्तेमाल वही किया करें जहां ये हिजरत का मौका है। हर जगह इसका इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। भाई मेरे समझ गए नहीं आप? हजरा मैं ये नहीं कह रहा, आपके पास जमात में जाने के फजाइल बेशुमार हैं, बे इंतहा फजाइल है, सरासर दीन का काम है। कोई बंदा मदरसे जा रहा है इल्म हासिल करने के लिए, हिजरत का लफ्ज उसके लिए भी नहीं इस्तेमाल होगा क्योंकि वो वापस आना है उसे रमजान के अंदर तालीम हासिल करके अपने घर। ये कैसे हिजरत है? हिजरत वाला लफ्ज नहीं बोला जाएगा। इल्मे दीन हासिल करने के लिए जाना बेशक बहुत फजीलत का काम है, लेकिन हिजरत और अलग अमल है। दीन की दावत में जमात में जाना बेशक फजीलत का काम है, लेकिन हिजरत एक अलग अमल है। उसको यहाँ से इन कामों से जोड़ना जरा सा भी गलत हो जाता है क्योंकि आम आदमी कुछ से कुछ मतलब समझता है। वो सोचता है कि जो दर्जा फिर अबू बकर और उमर और उस्मान और अली का हिजरत करके हुआ था वो तो मेरा भी हो गया, वो तो मेरा भी हो गया, वही अमल मैंने भी कर लिया, वही मामला मेरे अंदर भी हो गया। इसलिए अपने अल्फाज का इस्तेमाल भी जरा हमें समझ के साथ करना चाहिए ताकि गलत फहमियां ना पैदा हो। बहरहाल मैं अर्ज क्या कर रहा था आपके सामने कि हिजरत फरमाई है सहाबा ने, और कहां तशरीफ लेकर के गए थे सारे सहाबा? हबशा की जानिब। अब अबू बकर सिद्दीक भी हिजरत के इरादे से निकल रहे और निकल गए, मक्का से रवाना हो गए। एक जगह आती है, उस जगह का नाम है बरकुल गीमाद। पढ़ लीजिए एक मरतबा, क्या नाम? बरकुल गीमाद, एक जगह का नाम है। मक्कतुल मुकर्रमा से निकलने के बाद ये जगह आई है बरकुल गीमाद। हमें ये अजीब सा लग रहा है, क्यों लग रहा है? इसलिए कि हम अपनी जबान से वाकिफ नहीं है। हमें तो वही सब समझ में आते जो टेढ़े मेढ़ो खाता खेड़ी ये समझ में आएगा, तो ऐसे ऐसे भारी भारी अल्फा ये तो बहुत जल्दी समझ में आते। और बरकुल गीमात चूंकि अरबी का लफ्ज है और हम अपनी तहजीब से दूर है, ये हमें अजनबी लगेगा, ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या बोल दिया। तो ये चीज है। बहरहाल हजरत अबू बकर सिद्दीक जब निकले हैं तो निकलने के बाद में वो वहां पे पहुंचे, और अभी तो एक लफ्ज और सुनने में आया कुछ वक्त पहले, यही का इलाका है कोई सा, वल्लाहु आलम मैंने देखा नहीं उसको, जुलुमगढ़। कैसा खतरनाक लफ्ज है। अच्छा, इसको बोलने वाले जो है ना हमारे यहाँ वो और ज्यादा जुल्म ढा देते हैं इसमें, वो क्या बोलते हैं? जुलुमगढ़, वो इसे जुलमगढ़ बना देते, यानी जुल्म पे भी जुल्म कर दिया हमने। एक तो पहले ही वो लफ्ज गिरा पड़ा था और हमने उठा करके उसका और नाश मार दिया। बताइए क्या लफ्ज है? कोई बंदा अगर अरब से आ जाए और यहां के नाम सुने वो बंदा वैसे ही कौम में चला जाएगा। कैसे कैसे नाम है ये इलाकों के। बहरहाल ये रखते तो हम ही लोग हैं, हम ही हैं, हम और आप ही हैं सारे के सारे जो इन अल्फाज का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। तो जरा मुहज्जब अल्फाज रखने चाहिए। बरकुल गीमाद अजीब लग रहा है, हालांकि ये हमारी तहजीब वाला लफ्ज है बरकुल गीमाद। अबू बकर सिद्दीक उस मकाम तक पहुंचे। अब वहां पर पहुंचने के बाद हजरत सिद्दीक अकबर को एक शख्स मिला है। अब उस शख्स का नाम सुन लीजिए जरा, उसका नाम है इब्नुद्दगीना। वो बोलिए एक मरतबा, हाँ नींद दूर हो जाएगी जरा ऐसे ऐसे अल्फाज बोलेंगे तो। इब्नुद्दगीना, ये साहब मिले सिद्दीक अकबर को, और किस लोकेशन पे मिले? जगह का नाम बरकुल गीमाद। तो बरकुल गीमाद पर इब्नुद्दगीना सिद्दीक अकबर को मिला है।
ये पूरा जुमला बनेगा। अगर आप ये जुमला बरकुल गिमाद इब्न दगीना पढ़ करके दम कर देंगे किसी पे, वो सोचेगा हाँ कुछ वजीफा पढ़ रहे। बरकुल गिमाद इब्न दगीना, तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु रवाना हुए हैं और बरकुल गिमाद तक पहुंचे और इब्न दगीना उधर से आ रहा है, वो मिला, ये काफिर है, इस्लाम नहीं लाया हुआ है, ये मिलता है वहां सिद्दीक अकबर को। पूछा कहाँ जा रहे हैं भाई, कहाँ का इरादा है आपका? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि मुझे मेरी कौम ने निकाल दिया और ये मुझे अल्लाह की शरीयत पर अमल नहीं करने देते, इसलिए मैं अल्लाह के दीन को जिंदा करने के लिए अपने मुल्क छोड़ करके जा रहा हूं। अब मैं यहां नहीं रहूंगा कि जब ये लोग मुझे शरीयत पर अमल नहीं करने देते। सिद्दीक अकबर ने उससे ये जुमला कहा, वो फौरन बोला, हजरत सिद्दीक अकबर से वो इब्न दगीना बोला, हालांकि काफिर था, लेकिन क्या कहता है, कहता है कि आप जैसा आदमी शहर छोड़ के नहीं जा सकता, आप जैसा आदमी नहीं जा सकता। और फिर इसने हजरत अबू बकर की खुसूसियात गिनवाई है, फरमाया कि आप तो कमजोरों को सामान ला ला करके देते, आप क्यों शहर छोड़ करके जा रहे? जिस आदमी में इतनी खूबियां हो वो क्यों शहर छोड़ करके जाएगा? फरमाया कि आप कमजोरों को सामान ला करके देते, लोगों के बोझ आप अपने सरों के ऊपर उठाते, और तीसरी चीज के आप बड़े मेहमान नवाज हैं, और जिसमें इतनी सारी खसूसियात हो वो शहर छोड़ के क्यों जाएगा? हजरत अबू बकर ने फरमाया कि भाई मैं क्या करूं, जब ये लोग मुझे अपने अहकाम पे अमल नहीं करने देते और सताते हैं, तो ताकि मैं शरीयत को जिंदा करूं इसलिए मैं छोड़ करके जा रहा हूं। तो इब्न दगीना ने क्या कहा, बोला कि हजरत आप एक काम करें कि मेरे साथ वापस चलें और मैं मक्का के काफिरों के पास जाकर के कहूंगा कि अबू बकर सिद्दीक को मैंने पनाह दी है, खबरदार अब कोई इन्हें हाथ मत लगा, मैं आपको खास बना दूंगा और फिर कोई आपको हाथ नहीं लगाएगा। ये उस जमाने का दस्तूर था कि अगर कोई बंदा उनके यहाँ का अपना आदमी किसी को पनाह दे दे तो फिर किसी से अगर उसकी दुश्मनी भी होती थी तो वो उसे कुछ नहीं करता था कि हमारे आदमी ने इसे पनाह दी है, लिहाजा अब हम इसे कुछ नहीं करेंगे। ये उनका रिवाज था, जबान के पक्के थे वो चाहे काफिर थे इन मामलात में, हालांकि और मामलात में जबान के भी बड़े कच्चे थे। पहले कह दिया चांद दो टुकड़े करके दिखा दीजिए मान जाएंगे, कर दिया तो गायब, ये तो जादू है, उन मामलात में कच्चे थे, लेकिन अपने जो मुआशरत के मामलात हैं वहां जबान की बड़ी उनकी अहमियत थी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा कि आप वापस चलें और मैं पनाह दूंगा और आप आराम से रहिएगा, कोई आपको ना तो छुएगा ना सताएगा ना परेशान करेगा, अब आप मेरी पनाह में। वो लेकर के वापस आ गए। अब यहां पर इनके लाने के बाद जो वाकया पेश आया वो तो अपनी जगह, लेकिन मैं एक बात की जानी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, उस पर जरा आप जरा ध्यान देना कि यहां पर हजरत अबू बकर की जो उसने खसूसियात जिक्र की है, तीन खसूसियात बताई कि आप कमजोरों को सामान देते, गरीबों का बोझ उठाते हैं, और तीसरा काम आप मेहमान नवाज हैं। ये तीन बातें कही हैं। यही तीन बातें उस मौके पर हजरत खदीजा ने कही थी जब हुजूर पर पहली वही आई थी और अल्लाह के नबी घर आए थे और आप पूरे परेशान हो रहे थे और आपको कंबल और चादर उड़ा करके लिटा दिया और हुजूर कह रहे थे कि खदीजा मुझे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। तो खदीजा ने भी यही सिफत हुजूर की गिनवाई थी कि आप कमजोरों की मदद करते, गरीबों का बोझ उठाते, मेहमान नवाजी करते, अल्लाह आपको कभी हलाक व बर्बाद नहीं करेगा, आप क्यों परेशान हो रहे? वहां पे खदीजतुल कुबरा जो सिफात हुजूर की बयान फरमा रही है, यहां पे इब्न दगीना वही सिफात सिद्दीक अकबर की बयान कर रहे। जो मैं बात अर्ज करना चाह रहा हूं वो बात आप जरा सा समझ लें अभी इस बात की रोशनी में कि
उलमा ने इसीलिए फरमाया है कि तमाम दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मकाम हुजूर का, हुजूर के बाद तमाम अंबियाए किराम का, जितने सवा लाख नबी आए, और सवा लाख नबियों के बाद पूरी दुनिया में अगर किसी का मकाम है तो अबू बकर सिद्दीक का है। नबियों के बाद पूरी दुनिया के अंदर नबियों के बाद जो दर्जा है वो हजरत अबू बकर का है। यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि हजरत अबू बकर का इतना ऊंचा दर्जा क्यों है। वजह यह है कि बिल्कुल पैगंबर की परछाई थे, बिल्कुल पैगंबर का अक्स थे। नबी की जात के अंदर जो सिफात थी वो सारी सिफात एक एक करके डाली गई थी और पिरोई हुई थी सिद्दीक अकबर की जाते गिरामी में। अलबत्ता नबी को फजीलत जो हासिल थी नबुवत की, जाहिर सी बात है अबू बकर उसमें तो नहीं नबी के बराबर पहुंच सकते, लेकिन आमाल अखलाक और आदात नबी जैसे इख्तियार किए थे, इसलिए इनका मकाम सारी उम्मत के अंदर और तमाम दुनिया के अंदर नबियों के बाद पहले नंबर पर आता है। नबियों के बाद पहले नंबर पर आते, जैसे हमारे नबी, सारे नबी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया के आखिरी नबी हुजूर, लेकिन सबसे बड़ा मकाम किसका है? हुजूर का। हुजूर सबसे पहले नबी भी, सबसे आखिरी नबी भी। आप ही अव्वल हैं, आप ही आखिर हैं, सबसे पहले भी आप हैं और सबसे आखिरी भी आप हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को नबुव्वत अता फरमाई और तमाम अंबियाए किराम को नबुव्वत मिली, लेकिन इन तमाम मरहलों से पहले अल्लाह ने नबुव्वत को खास कर दिया था हुजूर अली सलाम के लिए। आप सबसे पहले भी हैं और सबसे आखिरी भी हैं, लेकिन ये पहला और आखिरी होना आप हजरात के अभी समझ में नहीं आया होगा कि हुजूर सबसे पहले भी हैं और सबसे आखिरी भी हैं। एक मिसाल में दिया करता हूं, वो सुन लीजिए, इंशाल्लाह सबको समझ में आ जाएगा। हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी नव्वरल्लाहु मरकदहु ने मिसाल देकर के समझाया कि हुजूर सबसे पहले और सबसे आखिरी कैसे। जरा मिसाल सुने, आपने एक चीज देखी होगी बच्चों के बाद जिसे बोला जाता है पिरकार, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर होता है उनके, देखा या नहीं देखा सबने पिरकार? उसमें कितनी डंडियां होती हैं? दो। एक सीधी सीधी होगी, उसके अंदर वो पेन लगा दिया जाएगा, और दूसरी होगी उसके अंदर सिर्फ नीचे एक नोक होगी। क्या किया जाता है, ये नोक को कागज के बीच में रख दिया और पेन वाली जो नोक है उसको पूरे में घुमा के गोल दायरा ऐसे खींच दिया। समझिएगा जरा भाई, सबने देखा या नहीं देखा? नहीं देखा होगा तो घरों में जाके अपने बच्चों से कहना, बेटा अपना ज्योमेट्री बॉक्स लाओ, उसके अंदर ये चीज रखी होगी। हजरत नानोतवी की मिसाल जरा समझे, हजरत नानोतवी ने कितनी प्यारी मिसाल दी है हुजूर के अव्वल और आखिर होने को समझाया। फरमाया कि जैसे हमने वो पिरकार की नोक कागज के ऊपर रखी और रखने के बाद सामने पेन को रखकर गोल दायरा बनाना शुरू किया, उस गोल निशान का जो पहला नुक्ता है वो है हजरत आदम। कौन है? हजरत आदम। गोल निशान का पहला नुक्ता आदम, और फिर ये गोल निशान ऐसे बनता गया बनता गया, ये सवा लाख नबी आते गए आते गए आते गए, फिर जब ये गोल निशान इधर वाली लाइन से आकर के जुड़ा, बिल्कुल आखिरी वाला जो नुक्ता है जो आगे उस लाइन से जुड़ रहा है वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और दायरा नबुव्वत का पूरा हो गया, मुकम्मल हो गया। वो कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अब आप हजरात में से कुछ के जहन में आ रहा होगा, मुफ्ती साहब ये तो बड़ी चूक हो गई, नबुव्वत का दायरा मुकम्मल हो गया और हुजूर आए नहीं, हुजूर आए नहीं। वो दायरा नबुव्वत का पूरा हो गया, घेरा पूरा हो गया, और हुजूर का नाम नहीं आया, और है नहीं इसमें नाम अल्लाह के नबी का।
हजरत नानोतवी फरमाते हैं कि जब वो दायरा घुमाना शुरू किया, जो पहला नुक्ता है वो तो है हजरत आदम, और जो आखिरी है वो कौन है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हुजूर कहाँ हैं? फरमाया कि ये जो आपने पिरकार की नोक जमीन पे कागज पे रखी है, जब दायरा पूरा हो गया उसके बाद आप पिरकार को उठाओगे तो उस नोक के नीचे आपको एक निशान कागज पे बना हुआ मिलेगा। भाई बनता है या नहीं बनता? बनता है, वो निशान मिलेगा नोक के नीचे। हजरत नानोतवी रहिमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि ये जो नोक के नीचे निशान था ये वजूद में आया था सबसे पहले वजूद में आया था, लेकिन दिखा नहीं था, जाहिर नहीं हुआ था। जब वो पूरा घेरा बन के मुकम्मल हो गया और पिरकार को उठाया तो घेरे के पूरा होने के बाद अब वो जाहिर हुआ। अब समझ गए या नहीं? क्या मतलब हुआ? यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए नबुव्वत का जो सिफत का मामला था वो तमाम अंबियाए किराम से पहले हुआ, लेकिन जाहिर नहीं हुआ। आदम आते रहे, नूह, इब्राहिम, ईसा, मूसा, सारे नबी आते रहे, लेकिन वो जो थे वो जाहिर हुए सबसे अखीर में, जैसे वो नुक्ता सबसे अखीर में जाहिर हो गया। तो वजूद में वो नुक्ता सबसे पहले आया, लेकिन जाहिर कब हुआ? सबसे बाद में। इससे समझ में आता है हुजूर अली सलाम का तमाम अंबियाए किराम में सबसे अफजल होना ये अकीदा है हमारा। और नबियों के बाद मैंने अर्ज किया कि पूरी उम्मत में सबसे ज्यादा अफजल कौन, बल्कि उम्मत तो क्या पूरी दुनिया के अंदर कहा जाए, सारी उम्मतों में अगर नबियों के बाद में देखा जाए तो अबू बकर सिद्दीक का मामला है। वो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि जो सिफात अबू बकर के अंदर है वही सिफात खदीजा नबी में बयान फरमाई, नबी वाली सारी सिफात अबू बकर के अंदर भी है। इसको बोला जाता है मकाम सिद्दीक। ये है हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन, बिल्कुल नबी के मुशाबे। बहरहाल इन्होंने कहा कि अब आप मेरे साथ चलें और मैं आपको पना दूंगा, और साथ में लेकर आया और मक्का के अंदर खड़ा होकर ऐलान किया, ओ मक्का के सरदारों सब सुन लो कि अबू बकर को मैंने पना दी है, खबरदार अब कोई इन्हें हाथ मत लगाना, कोई मत छूना अबू बकर को। सबने कहा इब्न दगीना से कि ठीक है भाई, जो आपकी बात है कबूल है हमें और हम इसका लिहाज रखेंगे, इसका लिहाज रखेंगे। सबने मान लिया इब्न दगीना की बात को, लेकिन मक्का के काफिरों ने कहा एक शर्त है हमारी, वो सुन लो। शर्त क्या है? शर्त ये इन्होंने बयान की अपनी, कहने लगे कि हमारी तरफ से इनसे ये कह देना कि तुम आजाद हो, हम तुम्हें सताएंगे नहीं, लेकिन तुम्हें जो कुछ अपने दीन का काम करना है वो छुप करके घर के अंदर करना, बाहर हरगिज कुछ ना करना। नमाज पढ़नी है अंदर कमरे में, कुरान पढ़ना है अंदर कमरे में, ऐसा ना हो कि तुम्हारे कुरान की आवाज हमारे कानों में आए, तुम्हारी नमाज की आवाज हमारे कानों में आए। आवाज हमारे कानों में नहीं आनी चाहिए, बस बाकी तुम आजाद हो, जैसे चाहे जिंदगी गुजारो। ये एग्रीमेंट हो गए। इब्न दगीना ने अबू बकर से कहा, इन्होंने कहा ठीक है, घर में रहना शुरू कर दिया और अपनी तिलावत नमाज सब अपना अंदर जारी। कुछ वक्त गुजरा, उसके बाद हजरत अबू बकर ने क्या मामला किया कि अपना इबादत खाना जो था अपने घर के सहन में बना लिया, घर के सहन में बना लिया, अंदर चल रही थी इबादत उसे घर के सहन में मुंतकिल कर लिया कि मैं यहाँ नमाज पढ़ूंगा तिलावत करूंगा। अब वहां पर इन्होंने वहां पर तिलावत करना शुरू की और कुरान पढ़ना, नमाजें पढ़नी, सारी चीजें। अच्छा, मक्का के काफिरों का हाल देखें, उन्होंने जब ये बात कही कि आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, अंदर अंदर करें आप काम, तो इनसे वजह पूछी गई कि भाई आप इतना क्यों घबरा रहे हो आवाज से, आपको क्या परेशानी है आवाज से?
इनका जवाब सुने। इनका पहला जवाब था, ये सारे के सारे कहने लगे कि हमने इसलिए किया है कि तुम्हारी इन आवाजों से हमें तकलीफ होती है। पहली वजह तो ये है। पता क्या लगा, जो आज मसले चल रहे हैं ये आज के नहीं है, ये सिद्दीक अकबर के जमाने से चले आ रहे, वहां से चले आ रहे। तुम्हारी नमाज से, तुम्हारी तिलावत से हमें तकलीफ होती है, लिहाजा आवाजें अपने अंदर रखना, पहली बात। और दूसरी बात जो उस वक्त के काफिरों ने कही, जो आज वाले नहीं कहते, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात है कि अगर आप खुल करके नमाजें पढ़ोगे, अगर आप खुल करके कुरान पढ़ोगे, तो इतनी तासीर है अल्लाह के कलाम में कि डर है कि कहीं उनके अपने अफराद वो ईमान में दाखिल ना हो जाए। उन्होंने कहा हमें डर है कि हमारी औरतें, हमारे बच्चे जो कमजोर दिल के हैं, वो इस शख्स का कुरान सुन के मुसलमान हो जाएंगे, इसलिए इससे कहो कि अंदर चुप करके पढ़। बताइए, अगर इतनी तासीर है इस कलाम में और इतना असर करता है दिलों के ऊपर, तो हकीकी कलाम होगा, जब ही तो कर रहा है, कोई फर्जी कलाम नहीं कर सकता, तो मान क्यों नहीं लेते। लेकिन बस जिद है, वो नहीं है, वो मान नहीं सकते। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने घर के सहन में काम शुरू कर दिया, इबादत खाना घर के सहन में बनाया और नमाज पढ़ने लगे। अब उस जमाने के अंदर ऐसे सहन नहीं थे जैसे आज हमारे के सहन में करो तब भी बाहर नहीं पता लगता, वहां तो छोटी छोटी दीवारें थी, बल्कि कहीं कहीं होती भी नहीं थी। अब जब सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ते अल्लाहु अकबर, मक्का के काफिर सारे उनको खड़े होकर के देखा करते थे कि ये बंदा क्या अमल कर रहा है। जब कुरान पढ़ते और आंखों से आंसू निकलते, रोते अल्लाह की याद में और अल्लाह के खौफ में और डर में, मक्का की औरतें और उनके बच्चे सब खड़े होकर के देखते और नजर जमा के हजरत अबू बकर सिद्दीक का अमल देखा करते, क्या कलाम है ये, क्या इंसान है ये, कितनी प्यारी तालीम है इस दीन की। वही हुआ, अब मक्का के काफिरों ने देखा ये तो मामला खराब हो रहा है, बुलाओ भाई इब्नु दगीना को, उसे बुलाओ। आ गया वो, भाई तुमने इनकी पनाह मांगी थी लेकिन जो वादा किया था ये उसके खिलाफ कर रहे हैं, अब बताओ क्या करना है, अब बताओ क्या करना है, तुम अपनी पनाह वापस ले लो और कह दो कि अब ये मेरी पनाह में नहीं है, फिर हम इसे ठीक करें, वरना इसे कहो कि अंदर जाए, यहां ना करे सबके सामने का। अब इब्नु दगीना और सारे काफिर अबू बकर सिद्दीक के पास आते हैं, अरे ये सिद्दीक अकबर है, ये कहां किसी काफिर की पनाह में रहना पसंद करेंगे, ये कहां पसंद करने वाले काफिरों की पनाह में रहना। इन्होंने आकर के कहा कि आप अंदर जाएं और ये अमल बंद करें वरना मेरी पनाह खत्म। सिद्दीक अकबर ने कहा तेरी, तू तो क्या करेगा, मैं खत्म करूंगा, मैं इसकी पनाह में नहीं हूं। और तारीखी जुमला अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया मैं इबादत यहीं पे करूंगा और इब्नु दगीना की पनाह में नहीं बल्कि अल्लाह की पनाह में करूंगा, अल्लाह की पनाह में करूंगा। ये है मकाम सिद्दीकियत, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान। फरमाए मैं अल्लाह की पनाह में हूं, मुझे इब्नु दगीना की पनाह की कोई जरूरत नहीं है, ये वापस लेता है अपनी हिफाजत, ले ले वापस, मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला ने साफ ऐलान कर दिया और उसी तरह उन्हीं हालात में हजरत ने अपना अमल जारी रखा। काफिरों ने सताया, परेशान किया, लेकिन बर्दाश्त किया। अबू बकर सिद्दीक ने अपने अमल को तर्क नहीं फरमाया। ये है हजरत अबू बकर का मामला। ये हिजरत हबशा के लिए निकल रहे थे, इन्हें क्या पता था कि अल्लाह इन्हें कितनी मुबारक हिजरत अता फरमाएगा, इनका इंतखाब अल्लाह ने किस हिजरत के लिए कर रखा है, ये नबी के हिजरत के साथी बनने वाले हैं, अगर ये हबशा चले जाते तो वो सारे मसले खत्म हो जाने थे, इसलिए अल्लाह ने गैबी तरीके पर इब्नु दगीना के जरिए वहां पर इनके रुकने के असबाब पैदा फरमाए और वहीं पर रुक गए। ये सारा का सारा मरहला पेश आया।
अब इब्नु दगीना, इसके बारे में जरा एक दो बातें आप जरा याद रखिएगा, ये जरा इल्मी बात है, इसको ज़हन में रखना कि इसका जो असल नाम है वो क्या था। इसका असल नाम है हारिस। क्या नाम है? हारिस। और इसके बाप का नाम था यजीद। क्या नाम था? यजीद। ये मुहर्रम वाला यजीद नहीं है, ये कोई और सा है, कभी हम वही समझे कि फिर लगा हाथ, तो वो दूसरा है। ये जो है ये अलग वाला है, ये है हारिस इब्ने यजीद। हारिस इसका नाम है और यजीद इसके बाप का नाम है। बाद उलमा ने इसका नाम मालिक भी नकल किया है, लेकिन ज्यादा मशहूर हारिस। और इसके ये जो बोला जाता है इब्नु दगीना, दगीना जो था इसकी माँ का नाम था, दगीना इसकी माँ का नाम था, तो इब्नु दगीना, दगीना की औलाद, दगीना का लड़का, तो ये माँ के नाम की तरफ मंसूब होके इब्नु दगीना बोला जाता है। और किसी ने किसी किताब के अंदर इसके मुसलमान होने का कोई जिक्र नहीं मिलता कि ये बंदा इस्लाम लाया हो या ये बाद में मुसलमान हुआ हो, इसका कोई जिक्र नहीं है। लिहाजा इसके बारे में इतना ही मिलता है जितना आपने सुना। तो कौन था वो शख्स जो अबू बकर को रास्ते में मिला था? बोलो सर, इब्नु दगीना। और किस जगह पे मिला था? पुरानी चुंगी, बताओ भाई कहाँ मिला था? आज तो एक को भी याद नहीं है। बरकुल गीमाद, कहिए सब जोर से ताकि कम से कम आज तो याद रहे। क्या था? इब्नु दगीना मिला था बरकुल गीमाद में। और इसका असल नाम मैंने क्या बताया? हारिस। इसके बाप का नाम क्या है? यजीद है। और इब्नु दगीना क्यों बोला जाता है इसको? दगीना कौन है? इसकी माँ का नाम है, उसकी तरफ निस्बत है। किसी ने इसको मुसलमान लिखा है या नहीं लिखा? किसी ने नहीं लिखा। इसके बारे में इस्लाम का कोई जिक्र किसी किताब में नहीं मिलता। एक बात। दूसरी बात एक याद रखना कि इब्नु दगीना नाम से एक और बंदा है हुजूर के जमाने में ही, इब्नु दगीना नाम का। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे हजरात ऐसे हैं जो माशाल्लाह हदीस और सीरत के तालिब इल्म में और बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं और वो ये दर्स सुनते हैं, तो उन हजरात के लिए भी ये बातें महफूज रहनी चाहिए। इब्नु दगीना एक और है, इसका क्या तारुफ है वो जरा सा मुख्तसर सा याद रखना कि दूसरा जो इब्नु दगीना है उसका नाम है रबीआ। क्या नाम है? रबीआ। और ये मुसलमान है और सहाबा में शुमार है इनका। और ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ एक जंग हुई है जिसका नाम है हुनैन, ग़ज़वा हुनैन, उसमें हुजूर के साथ शरीक भी रहे। ये हैं दूसरे इब्नु दगीना, इनका नाम रबीआ है। और वो वाला इब्नु दगीना जिसका नाम हारिस है, वो सहाबा और मुसलमानों में है या नहीं है? नहीं है। लेकिन दूसरा वाला जो इब्नु दगीना है जिसका नाम क्या है? रबीआ। क्या नाम बताया? रबीआ। ये सहाबा में है या नहीं है? इसका शुमार हजरात सहाबा में और ग़ज़वा हुनैन में अल्लाह के नबी के साथ इसने शिरकत भी फरमाई। ये हो गया यहाँ पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला, जो हजरत ने हिजरत का इरादा फरमा लिया था। अब अगली बात, ये भी वाकिया जो पेश आया ये सन 10 में पेश आया, वही चल रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, चूंकि मैंने बताया ना कि ये बाइकाट के खत्म होने से थोड़ा सा पहले ही पेश आया था वाकिया, जब अबू बकर जा रहे थे वहां पर, लेकिन फिर वो वापस आ गए और उन्होंने रहना शुरू कर दिया। और इधर अल्लाह ने कुछ वक्त के बाद उस बाइकाट को भी खत्म फरमा दिया।
अब ये चल रहा है सन 10, इसमें अल्लाह ने वो बाइकाट तो खत्म किया है, लेकिन अल्लाहु अकबर, इस्लाम की तारीख में ये जो साल है नबी की जिंदगी का, ये कहलाता है आमुल हुज़्न, यानी गम का साल। काहे का साल? गम का साल। सन 10 यानी हुजूर की जिंदगी का 50वां साल, ये आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहलाता है। हुआ तो है बाइकाट खत्म, जो बड़ी राहत की बात है, लेकिन उसके बाद लगातार एक एक करके हुजूर पे जो गम के पहाड़ टूटे, वो अंदाजा आदमी नहीं लगा सकता। क्या क्या गम के पहाड़ टूटे सन 10 के अंदर। अल्लाह के नबी के जब बाइकाट खत्म हुआ, आप बाहर आए, आपके चचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया, वो दुनिया से चले गए। जाहिर सी बात है, बड़ा गम का मौका था अल्लाह के नबी के लिए, दोहरा गम था। एक तो ये कि वो हिफाजत बड़ी करते थे, और दूसरा मामला ये कि वो कुफर पे मर गए, अल्लाह के नबी को बड़ा गम था। अबू तालिब के कुछ दिन के बाद अल्लाह के नबी की गमगुसार बीवी, जो हुजूर के कदम कदम पे साथ रही थी इन परेशानियों में, हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला ना, उनका भी इंतकाल हो गया, वो भी दुनिया से चली गई। अबू तालिब भी दुनिया से रुखसत हुए, खदीजा भी दुनिया से रुखसत हुई, और उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ इसी साल में ताइफ का सफर पेश आया, और फिर वो जो ताइफ का वाकया है वो भी इसी संग। तो अबू तालिब का इंतकाल हो जाना, खदीजा का रुखसत हो जाना, और फिर ताइफ का वाकया पेश आना, ये सारे वाकयात सन 10 के अंदर पेश आए। आप सब जानते हैं कि कितना गम का मौका होगा, इसलिए इसको बोला जाता है गम का साल आमुल हुज़्न अल्लाह के नबी की ज़ाते गिरामी के लिए। अब बहुत सारे गम के वाकयात हैं, इन में से आज जो हम लेंगे वो सिर्फ पहला वाला, अबू तालिब का इंतकाल, इसको लेंगे, और फिर खदीजतुल कुबरा का इंतकाल, और नबी का ताइफ का जो सफर हुआ है वो दर्दनाक सफर, वो इंशाल्लाह हम आइंदा हफ्ते में लेंगे, ताकि हमारा ये सिलसिला भी मुकम्मल हो जाए। आज इनमें से पहला वाकया। तो अब सुने कौन सा सन चल रहा है, ये सन 10, और इसमें पहला वाकया जो पेश आ रहा है वो क्या बताया मैंने, बोलो भाई, अबू तालिब का इंतकाल। क्या वाकया पेश आया और कैसे ये मरहला हुआ है, जरा इसको सुनिए। बुखारी शरीफ जो हदीस की बड़ी मोतबर किताब है, उसमें बुखारी के बाद जो दर्जा है किताबों में, उसका नाम है मुस्लिम शरीफ। पूरी उम्मत में हदीस अगर आप दर्जा देखें तो सबसे ऊपर तो कुरान पाक है, उससे ऊपर तो कोई नहीं है। कुरान के बाद सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा कौन सी किताब का है, बुखारी शरीफ। उसके बाद जो मकाम और मर्तबा है वो है मुस्लिम शरीफ। क्या नाम? मुस्लिम शरीफ। ये सारी जो किताबें हैं ये सारी हमारे यहाँ आलिमियत के 8वें साल के अंदर पढ़ाई जाती हैं, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, ये सब आती हैं। तो बुखारी के अंदर भी ये वाकिया लिखा हुआ है जो अब मैं सुनाने जा रहा हूँ, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी ये वाकिया लिखा हुआ है। और ये मैं क्यों याद करा रहा हूँ आपको, उसकी वजह अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगी, कि ये वाकिया खाली मैं सुना नहीं रहा, बल्कि पहले मैंने हवाला बताया आपको कि ये वाकिया कहाँ मौजूद है। तो बताएं मेरे भाई, कहाँ लिखा हुआ है? बुखारी और मुस्लिम में, दोनों किताबों के अंदर ये वाकिया मौजूद है। ज़ियारत कर सकते हैं बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ। अब हमने लाके यही रख लिया है, खजाना यहाँ मौजूद है नीचे, तशरीफ फरमाए बुखारी, तो देख सकते हैं हाथ में लेके, जो बुखारी होती है बंदे को उठाने में बुखार आए देख करके उसे। तो बुखारी शरीफ, उसके अंदर वाकिया लिखा है। क्या वाकिया है, अब जरा आप सुने। उसमें लिखा है कि जब अबू तालिब मरने लगे, इंतकाल का वक्त आया, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उनके पास आ गए। अबू तालिब के पास हुजूर आए, और आने के बाद जब वहां पे पहुंचे तो दो बंदे वहां पहले से मौजूद थे,
एक कौन था? अबू जहल, और दूसरा जो शख्स वहां पे मौजूद था अब्दुल्ला इब्ने अबी उमैया, इसका जिक्र आया था जो हबशा गया था मुसलमानों को वापस लाने के लिए, वहां भी जिक्र आया था। तो ये दोनों वहां पे मौजूद है। अबू तालिब की रूह निकलने का टाइम है, नबी भी वहां है, अबू जहल भी वही है, अब्दुल्ला इब्ने अबी उमैया ये भी वहीं पे मौजूद है। अबू तालिब का आखिरी वक्त चल रहा है। हुजूर अली सलाम उनके करीब हुए और आपने फरमाया, ये तमाम वाकिया बुखारी में मौजूद है, आपने कहा ए चाचा, चाचा एक बार आप कलीमा पढ़ ले, एक मर्तबा आप कलीमा पढ़ ले, ताकि मुझे अल्लाह के यहां आपकी सिफारिश करने की दलील मिल जाए, बस मुझे दलील मिल जाए, बाकी सिफारिश मैं खुद रब के पास खड़े होके करूंगा कि मेरे चाचा को निकाल दी। हुजूर ने फरमाया कि एक बार बस कलमा पढ़ ले ताकि अल्लाह के यहां सिफारिश के लिए एक दलील मिल जाए, वरना अल्लाह पूछेंगे ना तुम सिफारिश क्यों कर रहे हो, ये मुसलमान है भी या नहीं। तो अगर आप चचा कलमा पढ़ लेंगे तो मैं अल्लाह से कह दूंगा कि हाँ मैंने सुना था इन्होंने कलमा पढ़ा, तो दलील होगी तो मैं सिफारिश करूंगा, काफिरों के लिए तो कोई सिफारिश होनी नहीं। तो फरमाया कि दलील मिल जाए आप कलमा पढ़ लें। वहीं पर ये दोनों जालिम खड़े थे, अबू जहल अब्दुल्ला इब्ने अबी उमैया, ये दोनों के दोनों बोले फौरन, जब देखा इन्होंने कि हुजूर इनको दावत दे रहे हैं ईमान की, तो फौरन बोले कि अबू तालिब क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब के दीन को छोड़कर मरोगे? अब्दुल मुत्तलिब यानी तुम्हारे दादाओं का जो दीन है, बाप दादा का जो दीन है, क्या उसे छोड़ के मरना चाहते हो तुम? इन्होंने गैरत दिलाई कि यार ऐसी हरकत मत कर, जिस दीन पे तूने सारी जिंदगी गुजारी है आज भी उस पे जबर है और उसी पे मत। अबू जहल अब्दुल्लाह इब्न अबी उमैया, कितना बड़ा सबक मिलता है आदमी को, हमेशा अपने दोस्त अच्छे बनाने चाहिए, साथी अच्छे होंगे क्या होगा, अच्छे लोग होंगे तो आपका नमाज पढ़ने का दिल भी नहीं कर रहा, वो खींच के लेके जाएगा, अरे यार चल दिल नहीं कर रहा, चल टहलते हुए चल रहे हैं, बातें करते हुए चल रहे हैं, बहाना बहाना बना करके वो आपको मस्जिद ले आएगा। और अगर खुद नालायक होगा तो अगर आप आ भी रहे हो ना मस्जिद के गेट पे खड़े हो तो पीछे से बाइक लाके रोकेगा, कहाँ जा रहा है भाई, जरा सा नमाज पढ़ लो। अरे पढ़ता रहेगा, जरा चल पीछे बैठो कहीं घूमने, देहरादून चौक चल रहे हो, बजाज की रसमलाई खाएंगे, पीछे बैठ अब लेकर के रवाना हो जाएगा। और वो नए से नए फलसफे, उसे पता है कि आपको क्या पसंद है, चल खुला जगह चाय पीने चल रहे। अब आदमी क्या करेगा, जाता जाता वापस हो जाएगा, नमाज छोड़ देगा। आप सब तजर्बा करते होंगे इन बातों में, अच्छे साथी बनाओ, ऐसे दोस्त बनाओ कि कल को अल्लाह के यहां जाकर के खुशी हो कि हाँ ये दोस्त था हमारा। ऐसा ना हो कि हम वहां जाके कहें या वैलता लैतनी लम अत्तखिद फुलानन खलीला। अल्लाह ने कुरान में कहा कि कुछ लोग जहन्नम में जब उल्टे टांगे जाएंगे तो वहां टंगने के बाद में अपने आप को नहीं बुरा कहेंगे, क्या कहेंगे, हमारा नाश हो जाए, काश के मैंने उसको अपना दोस्त ना बनाया होता, उसने मेरे को यहाँ जहन्नम में फंसा दिया। अपने आप पे लानतें भेजेंगे जहन्नम की आग के अंदर लपट लिपट करके कि अगर हम उसको दोस्त ना बनाते तो यहाँ ना आते। तो जरा देख लें कि हम जिसके साथ उठना बैठना कर रहे हैं वो हमें जन्नत के अंदर लेकर के जाने वाला शख्स है या हमें गलत तरकीबें सुझाने वाला शख्स है। दुनिया में जितने आपको बीड़ी सिगरेट तंबाकू नशा करने वाले मिलेंगे, कोई भी आप ले लेना, किसी को भी बिठा के पूछना कि भाई तुमने जिंदगी में पहली बार बीड़ी सिगरेट कैसे पी थी, किसी को भी बिठा के पूछ लो।
किसी के दिल में खुद से नहीं आता कि यार लाओ मैं पी करके देखूं, जाए खरीदे पिए, कोई नहीं करता। होता क्या है? होता यह है कि आपने अपने दोस्त ऐसे बनाए जो बीड़ी पीने के आदी है। अब जब आप उनके पास जाकर के बैठोगे, अब वो बीड़ी निकाल करके जलाएंगे, कैप्स्टन गोल्ड फ्लैग, कहेंगे ले भाई तू भी दो कशमा। कहां कहोगे नहीं मुझे आदत। अरे मार के तो देख यार, आदत की कौन बात करता, देख कैसा मजा आए। मजा ना आए तो चल तेरे पैसे वापस, चल पैसे भी मत दे, हमारी बीट सिगरेट में से पी, फ्री की निकाल निकाल के देंगे और अजीब अजीब आपको ताने देंगे अगर आदमी ना पिए तो। अब आदमी सोचता है यार जब इतना कर ही रहे लाओ पी लूं। अब पी लेने के बाद में फिर 3 दिन के बाद अब वो उन्हें पिलाता है, उनका मामला खत्म। अब ये आदि बन गया। ये होता है दोस्तियों का नतीजा। जरा सा देख लिया करें कि हमारा उठना बैठा कैसे लोगों के साथ है। गंदे लोगों के साथ रहेंगे ऐसा हो नहीं सकता, गंदी आदत ना पड़े, जरूर पड़ेगी। सोहबत असर करती है, असर रखा है अल्लाह ने तासीर सोहबत के अंदर। अब वहां पर अबू तालिब एक बार को सीधे रास्ते पे आ नहीं सकते थे, लेकिन वो जो जालिम खड़े थे अबू जहल अब्दुल्लाह इब्ने अबी रबिया, उन्होंने कहा कि क्या तू मरने से पहले अपने बाप दादा के दीन को छोड़ेगा। अबू तालिब को गैरत आ गई, उन्होंने कहा कि यार ये तो सही नहीं है, और फिर उन्होंने कलमा पढ़ने से हुजूर को इनकार कर दिया कि ये मैं नहीं पढ़ सकता, मना फरमाया। और उसके बाद जब उनकी मौत हुई और आखिरी लफ्ज उनकी जबान से निकला, आखिरी लफ्ज था अला मिल्लती अब्दुल मुत्तलिब, मैं मर रहा हूं अब्दुल मुत्तलिब, यानी अपने बाप दादाओं के दीन। ये जुमला कहा और दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह हम सब की ऐसी मौत से हिफाजत फरमाए। ये अला मिल्लती अब्दुल मुत्तलिब ये जुमला का और दुनिया से रुखसत हो गए। अब क्या नतीजा निकला इस पूरे वाकिये का? पूरा मामला ये निकला कि अबू तालिब का जो इंतकाल हुआ वो इस्लाम पे या कुफर पे? कुफर के ऊपर मौत हुई है। ये बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, नसई शरीफ, ये हदीस की बड़ी मोतबर किताबें, उन तमाम के अंदर ये वाकिया मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ही ज्यादा गमगीन हुए, बहुत ही ज्यादा गम, क्योंकि आप तो देख रहे थे ना कि मतलब मेरे चाचा इतनी मोहब्बत करते थे, ये कहाँ चले गए, कहाँ गए हैं, और आपको उनसे लगाव कितना था, मोहब्बत कितनी थी। एक तो जाने का गम और दूसरे बददीनी पे जाने का गम, तो बहुत गम हुआ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं अपने चचा के लिए अल्लाह से दुआए मगफिरत करता रहूंगा जब तक अल्लाह मुझे मना न कर दे, क्या पता अल्लाह मेरी दुआए मगफिरत को कबूल कर दे। हुजूर ने फिर उनके लिए दुआए मगफिरत शुरू कर दी, अल्लाह अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया, अल्लाह इन्हें मुआफ कर दे, अल्लाह इन्हें मुआफ कर दे, अल्लाह इनकी गलतियों को दरगुजर कर दे, दुआए मगफिरत करनी शुरू की। लेकिन वही बात जो मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं, अगर बंदे के अंदर तौहीद मुकम्मल नहीं है तो नबी की दुआ भी फायदा नहीं पहुंचा सकती। अब नबी दुआ कर रहे, आसमान से जिब्राइल नाजिल हो गए, क्या आयत लेकर आए, अजीब और गरीब आयत है, मा कान लिन्नबी वल्लदीन आमनू अन यस्तगफिरू लिल्मुशरिकीन, ए नबी आपके लिए जायज नहीं है कि आप काफिरों के लिए मगफिरत की दुआ करें, आप दुआएं मगफिरत बंद करें इनके लिए, इनके लिए करना आपके लिए जायज नहीं है। वलौ कानू उली कुरबा, अल्लाह ने साफ फरमाया चाहे आपके करीबी रिश्तेदार हो, दुआ नहीं कर सकते आप। अगर वो कुफर के ऊपर मरे हैं, अगर उनका इंतकाल कुफर पे हुआ है, नबी आपके लिए दुआ करना भी जायज नहीं, बंद करें आप दुआ करना। हुजूर अली सलातु वस्सलाम ने फिर अपने चचा के लिए दुआ करना भी बंद फरमा दी। दूसरी आयत अल्लाह ने उतारी, इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, ए नबी हिदायत आपके हाथ में नहीं है कि आप जिसे चाहे हिदायत दे दे। अल्लाह ने फरमाया हिदायत तो मेरे हाथ में है, मैं जिसे चाहता हूँ देता हूँ।
अगर नबी के हाथ में हिदायत होती, अगर नबी के हाथ में इख्तियार होता, तो क्या नबी का चचा उनके सामने जहन्नम का ईंधन बनता? कैसे हुजूर अली सलाम? और अगर नबी के हाथ में हिदायत होती तो नबी तो दुनिया में शायद किसी को ना छोड़ते और आप सबको ये नेमत दे दे। लेकिन अल्लाह ने फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबबता, नबी आपके हाथ में नहीं है हिदायत देना, हिदायत देना मेरा काम है। मुसलमानों, ये कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें बगैर मांगे दे रखी है, कभी सोचा है? कभी हम सोचे बैठ करके कि अल्लाह ने हमें मुसलमान घर में पैदा कर दिया, अगर अल्लाह हमें काफिरों के घर पैदा करते तो हम आज कहां टक्करे मार रहे होते? शुक्र अदा किया करें अल्लाह का, मांगा करें अल्लाह से, अल्लाह आपने जब मुसलमान घराने में पैदा कर दिया तो मौत भी इसी घराने में और इसी मजहब के ऊपर अदा करना, मांगा कीजिए अल्लाह से, क्योंकि ये इतनी बड़ी नेमत है कि ये नेमत और ये मामला किसी आम बुजुर्ग या आलिम के हाथ में तो बहुत दूर की बात, नबी के हाथ में भी नहीं है ये चीज, ये सिर्फ अल्लाह की मर्जी के ऊपर मौकूफ है और अल्लाह ने हमें बगैर मांगे दे दिए ये नेमत। कितना फजल है अल्लाह का। तो ये आयतें अल्लाह तबारक व तआला ने उतारी। हजरत अब्बास जो मेरे नबी के चचा हैं, आस पास में आए और आके कहा कि आपने जो अपने चचा के लिए दुआएं की, अल्लाह से दरख्वास्त की, कुछ फायदा हुआ उनको इन दुआओं का? कुछ फायदा हुआ? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, मेरी दुआ से उनको फायदा हुआ है। और फायदा क्या हुआ कि आम जहन्नमी सर से पैर तक जहन्नम में है, लेकिन अल्लाह ने अबू तालिब के साथ ये मामला फरमाया कि आग उनके पैरों में सिर्फ टखनों तक पहुंच रही है, इसके ऊपर अल्लाह ने महफूज फरमा दिया, सिर्फ टखनों तक है। लेकिन आप ये मत सोचना कि मामला आसान होगा, मामला आसान होगा। हर जुमे में हम यहाँ खुतबे के अंदर एक हदीस पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी का ये इरशाद है इन्ना अहवन अहलिन नारी अज़ाबन मन लहू नालानी वशिराकानी मिन नार, के अल्लाह ने जहन्नम में जो ये सबसे हल्का अजाब रखा है कि अल्लाह पैर में आग के जूते पहनाएगा और बाकी बदन आग से बचा रहेगा, ये भी कितना खतरनाक है। हुजूर ने फरमाया यगली मिनहुमा दिमागुहु कमा यगलिल मिरजल, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन जूतों के अंदर गर्मी ऐसी उठेगी, हीट ऐसी होगी कि इनकी गर्मी की वजह से यहाँ दिमाग ऐसा उबल रहा होगा जैसे चूल्हे पे हांडी उबला करती है, ऐसे उबाल आएगा दिमाग के अंदर। मा यरा अन्ना अहदन अशद्दु मिन्हु अज़ाबा, अल्लाह जिस बंदे को ये अजाब देंगे ना, वो ये सोच रहा होगा कि जहन्नम में इससे ज्यादा खतरनाक अजाब शायद कोई सा नहीं है। व इन्नहु लअहवनु माज़ाबा, हालांकि हकीकत में ये जहन्नम का सबसे हल्का अजाब होगा। ये है सबसे जो अबू तालिब को दिया जा रहा, और अल्लाह रहम फरमाए ये ही अजाब हमेशा 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 चलता रहेगा, कभी भी इस अजाब से उन्हें छुटकारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि कुफ्र पे मौत हुई और अल्लाह का कानून है काफिर को नजात नहीं मिलने वाली। कितनी बड़ी नेमत है ये अल्लाह की, अल्लाह ने हमें जो अता फरमाई। एक बड़े मुहद्दिस है अल्लामा सुहेली रहीमहुल्लाह, उन्होंने बड़ी प्यारी बात लिखी, अल्लाहु अकबर, पढ़ के मजा आया। उन्होंने कहा अबू तालिब ने सर से लेकर के पैर तक हर चीज के जरिए नबी का साथ दिया, सिर्फ उनके कदम नबी के दीन के अलावा अपने बाप दादाओं के दीन पर जमे रहे। अल्लाह ने सर से पैर तक बाकी बदन को बचा लिया, कदम जो दूसरे दीन पे जमे थे उन्हें अजाब में गिरफ्तार कर दिया वो हमेशा के लिए। अबू तालिब का हाथ, अबू तालिब का सर, अबू तालिब की आंखें, अबू तालिब का मुंह नबी की हिफाजत के लिए चला हमेशा। अगर कोई चीज नहीं चली और नहीं जमी तो वो कदम है, वो कदम हमेशा उनके कुफ्र के ऊपर जमे रहे, अल्लाह ने उसके लिए हमेशा की आग मुकद्दर फरमाई।
अल्लामा सुहेली रहिमहुल्लाह ने यह अजीब बात यहां पे तहरीर फरमाई। अब इस पूरी तफसील से हमारे सामने बड़ी वजाहत से यह बात आ गई कि अबू तालिब जो है इनका जो इंतकाल और मौत हुई है वो ईमान पर या इस्लाम पर, सब बोले काफिर या मुसलमान, काफिर हुआ। लेकिन एक फिरका है फिर हमारे यहां, एक जमात है जिसे बोला जाता है राफिजी, शिया कह सकते हैं। इन्होंने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलग बना ली, इन्होंने फिर यहां लग रहा है इख्तियार की। इनका क्या कहना है? इनका कहना यह है कि अबू तालिब का इंतकाल इस्लाम और ईमान पर हुआ है। इनके इनकी राय जो है वो ये है कि अबू तालिब का इंतकाल इस्लाम पर हुआ है। ये नजरिया इनका, पूरी उम्मत हमेशा से लेकर के आज तक 1450 साल से इस फिरके के अलावा कोई फिरका ऐसा नहीं है जो ये नजरिया रखता हो। इनका अकीदा है और नजरिया है कि अबू तालिब का इंतकाल इस्लाम पे हुआ। दलील क्या है? दलील के अंदर पेश करते हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का एक इरशाद, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की एक रिवायत है, एक उनका इरशाद है, वो पेश करते। हालांकि वो जो इरशाद है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का, जिससे ये समझ में आता है कि शायद उनका इंतकाल इस्लाम और ईमान पर हुआ है, उसमें ये बात मौजूद है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के उस इरशाद के अंदर। लेकिन वहां पर हमारे उलमा का कहना यह है कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास नहीं बल्कि अब्बास इनके वालिद, अभी इनका जिक्र ऊपर आया था, जिन्होंने हुजूर से ये पूछा था कि अबू तालिब को कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ, उनकी रिवायत है। क्या है उनके रिवायत में, जरा वो मजमून सुन लीजिए आप ताकि समझना आसान हो जाए। हजरत अब्बास फरमाते हैं कि अबू तालिब के मरते वक्त होंठ हिल रहे थे, और आगे लिखते हैं कि मैंने उनके होठों के पास कान लगा के सुना और फिर हुजूर से कहा कि आप जिस कलमे के लिए इन्हें कह रहे थे वो ये कलमा कह रहे हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि भाई मैंने नहीं सुना, ये है वहां पे मौजूद। इस हदीस की वजह से वो हजरात ये कहते हैं कि अबू तालिब का इंतकाल काहे पे हुआ, इस्लाम पे। हालांकि ये जो हदीस मैंने आपको सुनाई हजरत अब्बास वाली, ये अपनी जो सनदें होती हैं हदीस की, जो सारा इनका मामला होता है हमसे लेकर के हुजूर तक का, उसके एतबार से इंतहाई कमजोर दर्जे की रिवायत है। और इसके मुकाबले के अंदर जो मैंने आपको सुनाई है जिन हदीसों से ये समझ में आता है कि अबू तालिब का इंतकाल कुफ्र पर हुआ, वो हदीस बुखारी और मुस्लिम और तिर्मिजी और नसई की हदीस है, जो बिल्कुल ऑथेंटिक है और नंबर एक दर्जे की हदीस है। लिहाजा अगर कहीं पर किसी कमजोर जगह पर ये जिक्र आ भी रहा है तो उसे कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो मजबूत सनद से बात आई है उसके अंदर ऐसा कोई जिक्र मौजूद नहीं। बात समझ में आ गई? अब अगर कोई आदमी ये वाली रिवायत ले ले हजरत अब्बास की, तो फिर उनका क्या करोगे? बुखारी में मुस्लिम में जो इतनी ऑथेंटिक किताबें जिनमें ये बात साफ साफ आई कि कुफ्र के ऊपर इंतकाल हुआ, उन हदीसों का इनकार करेंगे? हालांकि उन सारी हदीसों के ऊपर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है कि ये सारी हदीसें सही हैं, इनमें कोई कमी नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो इसलिए हमारे उलमा ने और तमाम उम्मत ने इख्तियार किया कि अब्बास रदी अल्लाहु अन्हु की जो रिवायत आ रही है जिससे उनका इस्लाम पे मरना समझ में आता है, इसको कबूल नहीं किया, क्योंकि ये अपनी सनद के एतबार से कमजोर है और इसकी टक्कर के ऊपर जिनसे कुफ्र पे समझ में आता है वो हदीसें ज्यादा मजबूत हैं। तो मजबूत को लिया और इसको तर्क कर दिया और ये अकीदा पूरी उम्मत ने इख्तियार किया। समझ में आ गया सबको? लिहाजा मुतासिर ना हो अगर कहीं पे कोई पेश करने लगे तो। ये मैंने पूरी बात आपके सामने रख दी।
अच्छा, दूसरा एक अजीब व गरीब मसला, ये रवाफिज जो है अबू तालिब को तो मुसलमान साबित कर रहे हैं, और यही लोग हजरत उमर को मुसलमान मानने को तैयार नहीं, यही हजरत उमर को मुसलमान मानने को तैयार नहीं। मतलब क्या सोच रखा है, अबू तालिब को मुसलमान साबित करने में जहां ना हदीस मजबूर ना कोई आयत। अच्छा, कुरान की जो आयत है वो भी साफ है, अबू तालिब की मौत के बाद उतरी है जब नबी उनके लिए दुआएं मगफिरत कर रहे थे, उसमें तो कुरान ने कह दिया कि मुशरिकों के लिए जायज नहीं है आपके लिए दुआ करना, तो अब तो मसला ही खत्म हो गया, कुरान ने भी गोया कि उन्हें काफिर कहा है, तो मसला ही खत्म है। तो अबू तालिब जिनके बारे में बड़ी कमजोर सी हदीस आ रही है उनके मुसलमान होने की, उस पे तो उनके मुसलमान साबित करने की इतनी मेहनत, और हजरत उमर जैसा आदमी उसको काफिर मानने को तैयार, उन्हें मुसलमान तस्लीम नहीं करते। अभी एक बंदे की कॉल आई मेरे पास में इसी इलाके से, फोन पे कहता है कौन सा मोती मस्जिद के मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी क्या कहना है, क्या आपने असर में बताया कि शियाओं के पीछे नमाज नहीं होगी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगी। आपने कहा काफिर हैं। मैंने कहा बिल्कुल काफिर हैं, यकीनन काफिर हैं। जो अबू बकर और उमर को काफिर कहेगा हम उसे मुसलमान मानेंगे। तो क्या कहता है, कहने लगा कि वो असल में हजरत उमर के बारे में एक शुबा पैदा हुआ है जिसकी वजह से ये कुफर वाली बात हुई है। मैंने फोन काट दिया, मैंने कहा तेरे शुबे और तेरे शक शुबे के चक्कर में मैं क्यों अपना टाइम जाया करूं, जिसके बारे में मेरे नबी ये फरमा रहे हो कि अगर मेरे बाद नबी होता तो अल्लाह इसे नबूवत देते, उसे तू काफिर कह रहा, उसके बारे में तो उसके ईमान में शक कर रहा है। जो अबू बकर और उमर के ईमान में शक भी करेगा मैं उसे यकीनन काफिर समझता हूं, जो इन सहाबा के ईमान में भी शक करे हमारे नजदीक काफिर है। क्या मतलब होता है, अगर अबू बकर और उमर को आप नऊज़ु बिल्ला काफिर कह दोगे तो मुसलमानी रह कहां जाएगी दुनिया के अंदर, कोई ठिकाने ही नहीं रहा हमारी बेवकूफियों का। तो फिर उसके बाद से गायब, अब तक तो उसके बाद कोई रब्ता नहीं हो, बड़ी तकलीफ होती। एक आगे कहने लगा, मुझे लगता है कि यहां पे माशाल्लाह फिर बहुत सारे अफराद इस कंपनी के मौजूद रहते हैं। एक आया मेरे पास में, मैं बयान करके आया दोपहर में, बयान से आया था या पता नहीं कहां से, ये याद नहीं, बाइक खड़ी थी अंदर आया, वो आता है ठेला लेके घूम रहा था, मेरे पास आया आलू प्याज बेच रहा, आगे कहने लगा अजी आपसे एक बात पूछनी रोड पर। मैंने कहा अंदर आ भाई, यहाँ तो नहीं होती कोई बात, अंदर आ। अंदर आ गया, आगे पूछता है वो ये बता दो कि मुआविया का जिक्र खुतबे में कब से आने लगा, खुतबे में मुआविया का जिक्र कब से आने लगा। मैंने कहा जबान संभाल के, जबान संभाल के, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। सहाबा का मसला, मेरे को कोई गाली भी दे दे फर्क नहीं पड़ता, सहाबा के मसले पे नहीं आ जानी चाहिए भाई, सारा दीन हमारा उनसे जुड़ा हुआ है। मैंने कहा जबान संभाल के, हजरत मुआविया के, मैंने कहा तेरी औकात ये नहीं है कि तुम मुआविया कहे जबान, हजरत मुआविया। हाँ हाँ वही, मैंने कहा वही नहीं हजरते मुआविया, हजरते मुआविया, इनका जिक्र कब से आने लगा। मैंने कहा जब से मुझे ये पता लगा कि कुछ लोगों के दिमाग में गंदगी भरी हुई है तब से मैंने इनका जिक्र खुतबे में करना शुरू कर दिया, ताकि जिनकी गंदगी है या तो वो फना हो जाए या गंदगी खत्म हो जाए। मैंने कहा इसलिए जिक्र कर दो, हजरत मुआविया हमारे सरों के सरदार हैं, सहाबी रसूल हैं,
उनके बारे में तारीखी जुमला है अल्लाहु अकबर। हजरत मुआविया के बारे में एक बड़े आलिम का मुहद्दिस का तारीखी जुमला है, फरमाया कि हजरत मुआविया रजी अल्लाहु ताला अन्हु का जमाने खिलाफत जो रहा है उसके मुकाबले बाद में एक खलीफा आए हैं उमर बिन अब्दुल अजीज। ये सहाबी नहीं है लेकिन हुकूमत बड़ी जबरदस्त की है। तो किसी ने उनके सामने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की ज्यादा तारीफ की और हजरत मुआविया की तारीफ कुछ कम हुई। उन्होंने जोश में आके जुमला फरमाया कि खबरदार अपने जुमले को संभाल, अमीर मुआविया जिस जंग में नबी के साथ रहे हैं उस जंग में जिस घोड़े पे बैठे हैं उस घोड़े की नाक के अंदर जो मिट्टी जाकर के जमी है उस मिट्टी का भी मकाम उमर बिन अब्दुल अजीज से ऊंचा है। सहाबा की बात करना कोई मामूली चीज है, सारी दुनिया के बुजुर्गों को एक पलड़े में बिठा दो और एक पलड़े में मेरे नबी के एक सहाबी को बिठा दो वो भारी है। सहाबा सबसे ऊपर, सहाबा की शान के अंदर गुस्ताखी नहीं चल सकती। बहरहाल ये बात कहां से आ गई, ये बात यहां से आई। अबू तालिब के लिए बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं मुसलमान साबित करने और अबू बकर और उमर को इस्लाम से निकालने की कोशिशें कर रहे हैं, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये हाल है। बहरहाल तो ये मामला यहां पर पेश आया, इसका पूरा खुलासा ये हुआ जब हजरत ये जो है अबू तालिब इनका इंतकाल हो गया तो अबू तालिब के इंतकाल होने के बाद हजरत अली हुजूर के पास आए और कहा आपका चचा मर गया, चला गया दुनिया से, अब क्या करूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाके मिट्टी में दबा दो, मिट्टी में दबा दो, ना कोई नमाज जनाजा पढ़ी गई। आप मुझे बताओ कि अगर वो मुसलमान होते नबी जनाजा पढ़ते या ना पढ़ते। अबू तालिब के ऊपर नबी ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ी, अगर हुजूर के ऊपर ईमान लाके जाते जनाजा तो क्या मेरे नबी अपने हाथों से कब्र में करवटे दिलाते, क्योंकि इतनी कुर्बानी नबी के लिए देना आसान काम नहीं था। लेकिन अल्लाह के नबी उनके जनाजे तक में गए तक नहीं और अली से फरमाया जाओ उनको ले जा करके मिट्टी में दबा दो, बस इतना जुमला फरमाया। हजरत अली गए और जा करके उनको वहां पे दफन करके और आ गए। ये है अबू तालिब के इंतकाल का वाकिया। यहां से हमें कुछ बातें मिलती हैं, अगर किसी काफिर का इंतकाल हो जाए आप उसके घर ताजियत के लिए जा सकते हैं, कोई आपका जानने वाला है, कोई आपका मिलने वाला है, कोई मर गया उसका अजीज, आप उनके घर ताजियत के लिए जा सकते हो, घर जाइए मिलिए तसल्ली दीजिए और आ जाइए। लेकिन उनकी रस्मों में शरीक होना उनके जनाजे के साथ जाना ये हमारे लिए जायज नहीं है। घर पे जाना ताजियत के लिए ये तो जायज है लेकिन उनके साथ उनकी रस्मों में शरीक होना या जनाजे के साथ में जाना जायज नहीं है। तो इस बात को जहन के अंदर रखें। और आखिरी चीज, आजकल बड़ा ट्रेन चलता है कि जब कोई मर जाता है तो इंटरनेट पर हमने देखा कि बहुत आजकल सब संवेदनशील से बंदे जा रहे हैं, क्या लिखते हैं RIP लाइन से। अब ये RIP रिप क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है रेस्ट इन पीस, उसका शॉर्ट फॉर्म है रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस का मतलब क्या है, आप जन्नत में आराम करो, रेस्ट इन पीस। अरे अल्लाह के बंदो, काफिरों के मरने पे ये RIP रिप रिप ना लिखा करो, जायज नहीं है ये आपके लिए लिखना। हमारा क्या अकीदा है, क्या हमने ये अकीदा बना लिया है कि काफिर के लिए दुआए मगफिरत। अभी हमने सुना ना कि कुरान ने नबी को कहा कि आपके लिए जायज नहीं है काफिर के लिए दुआए मगफिरत करना, तो हमारे लिए RIP लिखना काफिर के लिए कहां से जायज हो जाएगा। इसलिए हरगिज भी ये जुमला ना लिखा करें और ऐसे जुमलों का इस्तेमाल ना किया करें। बस कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, खामोश रहें और अब
अपने लिए अपने अल्लाह से ईमान पे खात्मे की दुआएं करते रहें। ये है संदस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, आगे खदीजतुल कुबरा और फिर मेरे नबी के ताइफ का वाकिया इंशाअल्लाह ये तफसील से आइंदा हफ्ते आएगा। अल्लाह से दुआ फरमाए अल्लाह खुद मुझको भी और आप हजरात को तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये पर्चियां जो है ना आपकी, ये एक हफ्ता लेट चल रही हैं। जो पिछले हफ्ते वाली हैं वो आज आ रही हैं, ये सारी जो आज वाली हैं वो इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते आएंगी, इसलिए अर्ज कर दिया। हय्यालस्सलाह हय्यालस्सलाह, दाएं बाएं साइड गर्दन घुमाते हैं और बाद मुअज्जिन नहीं घुमाते, इनमें सही कौन से हैं? देखें, जिस वक्त में अजान हो उस वक्त में तो हुक्म है बाकायदा गर्दन के घुमाने का, और जिस वक्त में इकामत हो उस वक्त में घुमा ले कोई तो बेहतर है, ना घुमाए तब भी कोई हर्ज नहीं है। इकामत के वक्त में, अजान के वक्त में ताकीद है, इकामत के वक्त में उतनी ताकीद नहीं है। कोई घुमा ले तब भी ठीक, ना घुमाए तब भी ठीक, टोकने की जरूरत नहीं है। एक मरतबा आपने कहा था कि 72 हूरें मिलेंगी, जो बंदा जुमे की रात में सूरह दुखान पढ़ने का मामूल बना ले क्या उसे भी इतनी मिलेंगी? भाई आपकी बढ़ जाएंगी। अगर आप जुमे की शब में सूरह दुखान पढ़ोगे तो अल्लाह ताला बढ़ा देंगे। यही तो नुस्खा है, जिसे अपनी हूरें बढ़ानी हो तो वो सूरह दुखान शब जुमा में पढ़े। मैं जुमा के बयान में इस बात को बता चुका हूँ, तो अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हर हफ्ते आपकी 72 की तादाद में इजाफा होता जाएगा। अब जितना करना है उस हिसाब से आप इस अमल का इंतजाम करें। हूर की बड़ी फिक्र है, हूर न छूट जाए। मन तशा नाम कैसा है और इसका क्या मतलब है? भाई बहुत गलत नाम है ये कोई नाम नहीं है रखने के काबिल। मन तशा का मतलब होता है जिसे तू चाहे, यानी तेरी चॉइस भर है, जिसे तू सेलेक्ट कर ले वो ठीक है बस। तो मन दशा का मतलब ये होता है, इसलिए ये नाम हरगिज नहीं रखना चाहिए, बहुत गलत नाम है, इंतहाई गलत। तो इससे याद रखें। मेरे शायद बताया होगा, मेरे पास एक साहब आए थे दोपहर के वक्त में, बड़े हाँपते कांपते कि लड़की भाग गई, तावीज़ दे दो। मैंने कहा मेरे पास ये धंधा नहीं है, ये काम नहीं है, ये कारोबार मेरा नहीं है कि मैं तावीज़ें दूँ। कहने लगे कि वो क्या करे। फिर मैंने वैसी बातों में बात से कहने लगे कि नाम था मन दशा। मैंने कहा फिर तो भाग नहीं था, नाम ही तुमने यही रख रखा है तो फिर क्या होगा? इसका तो मतलब ही यही निकला ना कि जिसे तू चाह ले, तेरी चॉइस, तेरा फैसला। तो ये कोई नाम है रखने का? इससे एहतियात रखें, हो तो बदल दें। जुमे के दिन कपड़े धोना कैसा है? बहुत अच्छा है भाई, धो आराम से, क्या परेशानी है। कपड़े भी दो, अपने आप को भी दो, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर जुमे के दिन कोई दिक्कत हो जाएगी कपड़े धोने में तो सबसे ज्यादा तो मौलवी परेशान। सारे मदरसे के तलबा तो जुमे में ही तो धोते, तो कोई मसला नहीं है, जुमा वाले दिन आप धो सकते हैं। भगवान की मूर्ति अगर कपड़े पर हो तो क्या वो सिल सकते हैं या नहीं? देखिये, अगर उस पर प्रिंट है तो इसका मतलब फिर वो खास मजहबी है, अब उसका हमारे लिए उस पर कोई काम करना जायज नहीं होगा। और अगर अभी तक प्रिंट नहीं हुआ तो प्रिंट से पहले तो वो आम चीज है, उसके ऊपर अगर कोई आदमी कोई अमल करे तो वो जायज होगा। प्रिंट के बाद फिर वो खास हो जाएगा, क्योंकि फिर वो उसके अलावा कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकता। हजरत उमर कौन से नंबर पर ईमान लाए और एज क्या थी? नंबर तो देखें, बहुत सारे लोग मुसलमान हो चुके हैं, हम नंबर कहाँ तक याद रखे जाएंगे किसी के। तो बहुत सारे हजरात के बाद लाए, बाकी उम्र तफसील क्या थी कैसे था तो कुछ चीज़ें तो वहाँ आ गई हैं, बाकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह हुजूर के बाद अबू बकर फिर उमर का जिक्र आएगा, बाकी तफसील वहाँ आएगी। कुछ लोग बहुत टाइट लोवर पहनते हैं, रुकू और सजदे में बदन का डिजाइन जाहिर होता है, नमाज का क्या हुक्म होगा? अगर इतने टाइट कपड़े हैं कि बदन का डिजाइन दिख रहा है तो नमाज मकरूह तो हो ही जाएगी। इतने टाइट ना पहना करें कि बदन का एक एक आज़ू सारा डिजाइन जाहिर हो, जाहिर सी बात है फिर क्या फायदा कपड़ों का? थोड़ा सा तो ढीला रहे कि सारी चीजें ना दिखे, ये बेहयाई लगती है, सारी चीजों का जाहिर होगा।
तो इसलिए ऐसा लिबास नहीं होना चाहिए, कम से कम मकरूह तो नमाज हो ही जाएगी। क्या ये बात सही है कि पूरी दुनिया को अल्लाह ने 1% दिमाग दिया और बुजुर्ग को 99% दिया? भाई आज तक हमने दिमाग की तकसीम नहीं सुनी कि अल्लाह ने सबको 1% दिमाग दिया और 99% हुजूर को दिया, और अब तक ऐसी कोई हदीस हमारे सामने से तो नहीं गुजरी। किसी के सामने गुजरी हो तो वल्लाहु अलम। किसी लड़की ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की और उसकी तस्वीर शेयर करना सही है, स्टेटस लगाना सही है, क्या जरूरत है लगाने की? मतलब अगर शान में गुस्ताखी की आप स्टेटस क्यों लगा रहे हैं? उससे तो हम अपना स्टेटस बता रहे हैं कि हम भी इसको आम करने में इसके साथ हैं। मेरा कहना यह है कि कोई भी गलत चीज हुआ करे ना, उसे तो फॉरवर्ड किया ही ना करें, फौरन डिलीट कर दें। यही तरीका है उसे खत्म करने का। ये काफिर तो चाहते ही हैं कि आप उसे फैलाएं और हम उनके प्रोपेगंडा में शरीक हो जाते हैं। हर गिज ना फैलाया करें, ना कहीं शेयर किया करें, ना स्टेटस लगाया करें, ताकि उनका फितना वहीं दब के खत्म हो जाए। एक मेरे भाई ने लड़की के घर रिश्ता भेजा, लड़की के अब्बू ने मना कर दिया। लड़की और मेरे भाई का ताल्लुक है, अब्बू की नामर्जी के खिलाफ होकर भाग जाए तो जायज है या नहीं? भाई तुमने मुझे इसलिए भगा बिठा रखा है कि मैं भागने के मसले बताऊं कि किसके लिए लड़की भगाना जायज है, किसके लिए लड़की जायज नहीं है भगाना। देखे मसला क्या है, मसला जरा समझ लें। मसला ये है यहाँ पर कि अगर कोई जवान लड़का और लड़की अपनी मर्जी से शादी करे, शरीयत उस शादी को मोतबर मानती है। अगर वो बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, शरीयत उसे मोतबर मानती है, निकाह हो भी जाएगा चाहे माँ बाप राजी हो या ना हो। लेकिन हमारा मशवरा ये होता है कि भाई ऐसा ना करो, क्योंकि ये भूत जो है ना कुछ दिन का होता है, उसके बाद ऐसी अकल ठिकाने आती है कि आदमी को दिन में तारे नजर आ जाते हैं। ये जितने ले लेके भाग रहे होते हैं ना, फिर बाद में कोई डाल के आता है नदी में उसे ले जा करके, कोई जंगलों में फेंक करके आता है, फिर बाद में आदमी न रोजी का, न रोटी का, न इज्जत का, सब खत्म होता है मामला। इसलिए ऐसी घटिया हरकतें नहीं करनी चाहिए। मुआशरे में रहें, इज्जत के साथ रहें, वही ज्यादा बेहतर है। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखा करें। सफर की नमाज का क्या हुक्म है? सफर के अंदर नमाज, अगर आप 78 किलोमीटर या उससे ज्यादा जा रहे हैं तो आपकी नमाज आधी हो जाएगी, 4 रकत वाली 2 रकत हो जाएगी, यानी जोहर और असर और ईशा आपको 2-2 रकतें पढ़नी है, बाकी सारी नमाज उसी तरह जैसे होती है। सुन्नतों का वक्त मिले तो पढ़ लें, ना हो तो छोड़ सकते हैं, सफर में इजाजत है। क्या अंधेरे में नमाज पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ लोगों ने ये मशहूर कर रखा है कि अंधेरे में नमाज मकरूह है, बिल्कुल गलत है। अगर कोई आदमी अंधेरे में नमाज पढ़ता है, नमाज हो जाएगी, कोई हरज की बात नहीं है। अगर बीमारी की वजह से बेड पर नमाज पढ़े तो क्या हुक्म है? देखिए, बीमारी की वजह से बेड के ऊपर बैठ के नमाज, अगर इतना कोई बीमार है कि बेड से भी नहीं उतर सकता तो अलग बात है, फिर पढ़ ले वहीं पर ही। लेकिन अगर इतनी हिम्मत हो कि जरा सा कुर्सी पे बैठ सके तो फिर बेड पे नहीं, कुर्सी पे बैठना चाहिए। वजह उसकी ये है कि बेड के ऊपर आदमी का कोई बैलेंस एक जगह का नहीं बनता, कभी इधर का रुख कभी उधर का रुख, और नमाज के लिए यकसुई जरूरी है, तो फिर बेड की बनिस्बत कुर्सी बेहतर है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई इतना माजूर है कि उससे बेड से हट के कुर्सी तक पे नहीं आया जा रहा तो फिर उधर है, फिर वो उसी पर पढ़ ले। लेकिन अगर आ सकता हो तो कुर्सी ज्यादा बेहतर है बनिस्बत बेड के। शराब के नशे में तलाक देने पर तलाक होगी या नहीं? शराबी गोली मारे, सामने वाला मरेगा या नहीं? बोलो भाई, मरेगा। तो फिर जब गोली से मर रहा है और शराबी कहे मैं तो नशे में था, इसे मरना नहीं चाहिए था। भाई तू था ना नशे में, मरने वाला तो मरेगा, कार्रवाई भी पूरी होगी, नशा उतारा भी पूरा जाएगा। शराब के नशे में तलाक दी पड़ेगी, गोली चलाई लगेगी,
बात बराबर है। दुनिया के अंदर जब कोई मसला खत्म नहीं हो रहा तो आखिरत का क्यों खत्म होगा? शराब पी के हम अपनी अकल खराब कर रहे हैं ना, शरीयत थोड़ी हमारी वजह से बदली जाएगी। शरीयत का जो हुक्म है वो अपनी जगह रहेगा। और नशेड़ी ने अगर कितने ही पैक चढ़ा के तलाक दी, उसकी तलाक पड़ेगी और तलाक हो जाएगी। वो कौन से साहबा हैं जिनको दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी गई? लंबी फहरिस्त है, 10 साहबा का तो एक ही हदीस के अंदर जिक्र है, उसके अलावा भी और साहबा हैं। इंशाल्लाह आप सब्र रखें, सबके हालात हम जिक्र करेंगे। तरतीब से जो ये दर्स चल रहा है हमारा, इंशाल्लाह पूरी इस्लामी तारीख और इसकी बड़ी हस्तियाँ हमारे यहाँ सबका जिक्र आएगा। 0% ब्याज पर मोबाइल किस्तों पर लेना कैसा है और उसकी मिठाई खानी सही है? एक तो बेचारा वो किस्तों पे फोन ले रहा और आम मिठाई खा लो, कुछ तो सोचा करो। उसने किस्तों पे फोन लिया है और हम कह रहे मिठाई खिला। भाई अल्लाह के बंदे, इतना पैसा होगा तो वो किस्त ही ना अदा कर दे अपनी। बहरहाल दो बातें समझ लेना कि 0% के ऊपर खरीदा है तो फिर गुनाह भी नहीं है, क्योंकि अगर ब्याज नहीं जा रहा, एक्स्ट्रा पैसे नहीं जा रहे तो जायज है लेना किस्तों पर। नो कॉस्ट ईएमआई जिसे बोला जाता है वो जायज है। बाकी उसके अलावा अगर किसी ने लिया है मोबाइल तो हमारे यहाँ क्या, सारे दो भाई मिठाई खिला दे, मिठाई खिला दे, मिठाई खिला, फौरन पीछे लग जाते हैं। और जब तक ना खिला दे छोड़ दे, बल्कि कुछ तो ऐसे भी मॉडर्न चोर होते हैं कि जेब से नोट निकाल लेते हैं कि चल भाई ये 500 रुपए मिठाई के हो गए, उसके ऊपर जेब में रखा हुआ देखा निकाल लिया कि ये मिठाई का हो गया। ये सब गलत है। अगर कोई अपनी खुशी से खिला दे, खिला सकता है, जायज है, लेकिन जबरदस्ती किसी से किसी चीज की मिठाई का ना बिल्कुल गलत है, ऐसा अमल नहीं करना चाहिए। रात में खवातीन का टी शर्ट और लोअर पहनकर सोने का हुक्म क्या है? ये मसला भी समझ लें, ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं और ये हम जो मसले यहाँ जारी रखवाए हुए हैं इसी वजह से कि ये मसले ना तो कोई अलग से पूछता है और लोग गलतियों में मुब्तला होते रहते हैं। रात में औरत के लिए पहन कर के सोना, लोअर या टी शर्ट या कोई भी चीज़, इसमें इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई नामहरम नहीं है, नामहरम नहीं है तो गुंजाइश है उसके लिए पहन करके सो सकती है, या खाली शौहर के साथ में तब बिल्कुल पहन करके सो सकती है, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अगर घर में देवर जेठ या इस तरह से और लोग भी मौजूद हैं या अज ना महरमों का भी आना जाना है तो फिर उसको चाहिए कि इसका इस्तेमाल ना करें, या अगर इस्तेमाल करना है तो रूम रूम में इस्तेमाल करें जहाँ पे वो खुद हो या कुछ खातून, कोई और खातून हो। उसके अलावा इस तरह के लिबास ना महरम के सामने पहनना जायज़ नहीं है। कोई शौहर के साथ रह रही है और शौहर के साथ इस्तेमाल कर रही है, किसी नामहरम की नज़र का कोई मसला नहीं है तो फिर कोई हरज की बात नहीं है, बिल्कुल पहन सकती है, कोई मसला नहीं है। तो असल बात यही है नामहरम का मसला ना हो, अगर नामहरम की नज़र या उसका ख़तरा हो तो फिर हरगिज़ ना पहने, वरना तो पहनने की गुंजाइश है। गंगा करते हुए दाढ़ी के बाल टूट जाते हैं, उन्हें फेंक देना चाहिए या किसी मखसूस जगह पे रखना चाहिए? HDFC बैंक में जमा करा दिया गया। हम लोग मतलब हद हो गए भाई, दाढ़ी रख लो चेहरे पे, बाल रखने की जरूरत नहीं है जो गिर जाए, चेहरे पे दाढ़ी रखने की जरूरत है। जो काम ज्यादा जरूरी है ना वो नहीं है हमारे यहाँ, जो गैर जरूरी चीज है उसमें उलझे रहेंगे। अब आदमी कहाँ तक, जैसे मसलन हम गंगा करते हैं तो 8-10 बाल नॉर्मली गिरते हैं, कंगे में लगेंगे या लगेंगे, अब पता लगा उसी को उठाने के अंदर लग गए, उससे बेहतर है कि आप उसे झाड़ दो और इतनी देर अल्लाह का जिक्र कर लो, बाल इकट्ठा करने से ज्यादा अच्छा है। बाकी ज्यादा बेहतर ये है कि ये पड़े हुए बाल इकट्ठा करने की बजाय ज्यादा मेहनत दाढ़ी चेहरे पे रखने की करनी चाहिए। चेहरे पे दाढ़ी रखें, फिर अगर ये बाल गिर भी जाएं या नाली में बह भी जाएं कोई गुनाह नहीं है।
कोई भी गुनाह नहीं है, इस बात को अच्छी तरह ज़हन में रखें, इसलिए बिना वजह इसमें परेशान नहीं होना चाहिए। वह आखिर उदावाना।